हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कोकोनट आइसक्रीम केक की रेसिपी। इसे हमने नारियल दूध और रश के साथ मिलकर बनाया है। इसे आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। खाने में बहुत मज़ेदार होता है और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिना किसी देर के बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, ये क्रीम समेत है। शक्कर चाहिए हमें 200 ग्राम, इसमें कम शक्कर लेंगे क्योंकि इसमें हम जो रश इस्तेमाल करेंगे वो मीठे वाले हैं। 4 चाय के चमचे हमने मलाई ली है और 2 चाय के चमचे हम कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं। अगर आप कॉर्नफ्लोर ना लेना चाहें तो इसकी जगह पर आप दूध का पाउडर ले लीजिए, और दोनों चीज़ें आप ना लेना चाहें तो दूध को पकाकर आधा कर लीजिए। अब इसमें हमने लिया है 2 नारियल तोड़ कर लिए हैं, उसके पीसेस को हमने देखें छील लिए। इसके जो कत्थई छिलके हैं ऊपरी भाग, इसे हम चाकू से छील लेंगे, देखें इस तरह से, और इसकी बीज की मलाई निकाल लीजिएगा। ये देखिए हमने सभी पीसों को छील लिया है और इसकी बीज की मलाई निकाल ली है इस तरह से, और ये छिलके हटा दिए हैं। अब हम इन पीसों को बारीक बारीक काट लेंगे और मिक्सर में इसे पीस कर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए नारियल के हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, अब इसे हम मिक्सर में डाल देंगे। अब इसमें हम नारियल का पानी छान लीजिए, इसे फेंकिएगा मत, और वो इसमें डाल देंगे नारियल के पानी में। नारियल का एसेंस बहुत अच्छा आता है अपन डालकर इसे पीसते हैं तो। अब इस मलाई डाल देंगे हम, और इसे पीसते वक्त हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ज़रूरत के हिसाब से डालकर इसे पीस लेंगे। अब दूध को गाढ़ा करने के लिए एक कढ़ाई को गैस पर रखकर गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए, उसमें दूध डालकर उसे गर्म कर लीजिए। अब इसमें हम 2 पिंच के करीब खाने का मीठा सोडा डाल देंगे, इससे जब हम शक्कर डालकर दूध में पकाते हैं तो दूध फटेगा नहीं। अब दूध खोलेगा तब तक हम कॉर्नफ्लोर को थोड़े से दूध में घोल लेते हैं। कॉर्नफ्लोर का घोल रेडी हो चुका है, अब देखिए दूध में खोल आने लगा है। इस वक्त पर हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर, और शक्कर को मेल्ट होने तक हम चलाते हुए दूध में पकाएंगे। शक्कर से दूध थोड़ा पतला हो जाता है तो हम इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। देखें दूध पककर गाढ़ा हो चुका है थोड़ा, इसमें अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखा था। अब इसे हमने चलाते हुए 10-12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेना है। बीच बीच में दूध उफनने लगे तो आप फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिएगा। कॉर्नफ्लोर से दूध जल्दी ही पककर गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए दूध पककर गाढ़ा हो चुका है, हम इसे चम्मच में ले रहे हैं तो ये चम्मच के दोनों तरफ लग जा रहा है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये गाढ़ा हो गया है, हमें इतनी कंटेंसिटी चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा कर लेंगे। देखिए हमने जो नारियल लिया था उसका हमने पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने पीसते वक्त 1/2 कप पानी और ऐड किया था नारियल के पानी के अलावा। ये देखिए इसका पेस्ट पीसकर रेडी हो चुका है, इतना होना चाहिए। ये देखिए दूध ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम नारियल का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक बाउल में या ट्रे में तोसों को जमा लीजिए, ये मीठे तोस हैं, हमने इन्हें जमा लिया है। इस पे हम तैयारशुदा गाढ़ा दूध डाल देंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर चारों तरफ गाढ़े दूध की लेयर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इन्हें पूरी तरह से कवर कर लेना है। अब इस पे हम तोस की एक लेयर और लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इस पर हम फिर से नारियल और दूध की लेयर लगाकर इसे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से कवर हो चुकी है, अब इसे हम 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। कोकोनट आइसक्रीम केक बनकर रेडी हो चुका है, इसे हमने फ्रीजर में 4 घंटे के लिए रख दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, अब इसके हम पीस काट लेंगे। अब इसे एक प्लेट में रखकर इसे सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।